तो आज हम पढ़ने वाले इमेज एडिटिंग गिम्प में कैसे करते हैं उसके बारे में। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। आप इस लिंक पर जाकर गिम्प को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप गिम्प को डाउनलोड कर लेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब ऐसा वाइट प्लेन स्क्रीन लाना होता है तो हम कैसे ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, फिर न्यू पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे ऐसा सब लिखा आएगा, इसे कुछ मत करना, बस सीधे ओके कर देना। ऐसा एक वाइट स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो आपको ब्लू और वाइट कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जो ब्लू कलर है वो है फोरग्राउंड कलर और जो वाइट है वो है बैकग्राउंड कलर। तो मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बता देती हूँ। हमारा पहला टूल है बकेट फिल। ये है हमारा बकेट फिल टूल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कलर यहाँ पे ब्लू चूज किया हुआ था, मैं चेंज कर देती हूँ और ये कलर डाल देती हूँ, ठीक है। अब मैं बस सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगी और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी पूरी की जो स्क्रीन है वो यहाँ उस कलर की हो गई, ऑरेंज कलर की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट टूल। तो मैं जाऊंगी टूल्स में, पेंट टूल्स, ग्रेडियंट। यहाँ पे मैंने कलर्स ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखे हैं, अब बस मैं इसे ड्रैग करूंगी। दैट्स इट, जो बीच का था वो मर्ज हो गया है। नेक्स्ट है हमारा पेंट ब्रश टूल। तो यहाँ पे मेरे पास है यहाँ पेंट ब्रश और मैं यहाँ से स्ट्रोक्स चूज कर सकती हूँ एंड इसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे पेंसिल टूल भी है। पेंसिल टूल के बाद मेरे पास एयरब्रश टूल है। और एयरब्रश के बाद इंक भी है मेरे पास। तो आप सबके रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक ड्राइंग टूल्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सिलेक्टिंग टूल्स। उसके लिए पहले हमें एक इमेज लेकर आनी होगी। तो हम पहले सीखते हैं कि इमेज कैसे लेकर आते हैं। तो यहाँ से मैं जाऊंगी फाइल में, फिर ओपन में। मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं तो मैं बर्ड चूज करूँगी और ओपन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बर्ड का इमेज ओपन हो चुका है। तो हमारा पहला सिलेक्टिंग टूल है रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल। इसके लिए हम जाएंगे टूल्स में, फिर सेक्शन टूल्स में, फिर रेक्टेंगल सिलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें वो चाहिए होगा हम वहाँ पे ले जाकर क्लिक, हम वहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा सिलेक्टिंग टूल है एलिप्स सिलेक्ट टूल। तो हम कुछ वहीं पर जाने वाले हैं और हम यहाँ से एलिप्स सिलेक्ट टूल सिलेक्ट कर लेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है हमारा फ्री सिलेक्ट टूल। तो ये हमें फ्री सिलेक्ट करने के लिए मिलता है। तो अगर मुझे बर्ड का सिर्फ फेस चाहिए तो मैं उसे उस शेप में सिलेक्ट कर सकती हूँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद है हमारा फूजी सिलेक्ट। ये बिल्कुल एक मैजिक वॉन्ड की तरह दिखता है और उसी की तरह काम भी करता है। ये सेम कलर के जो जगह है उससे सिलेक्ट करने में इजी करता है हमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेम कलर के ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ एक ही क्लिक से सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद है द बाय कलर सिलेक्ट टूल। तो यहाँ पे सपोज मुझे सिलेक्ट करना है, तब जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक कलर होगा पूरी इमेज में वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास है इंटेलिजेंट सीजर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया है। अब जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है इस पे बस मैं क्लिक कर दूंगी। स्टडी टिप। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक सिलेक्टेड एरिया में कोई कलर डालना हो तो हम कैसे डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए कि इसका जो टी शर्ट है मैं उसमें रेड कलर कर दूँ, तो आइए सीखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके टी शर्ट को फ्री सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट कर लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके टी शर्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे बकेट फिल को चूज़ करा है और जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्टेड एरिया में कलर फिल हो गया है। अब है इरेजर टूल, जिससे मैं इरेज कर सकती हूँ।